नीट यूजी धांधली मामले में आज छात्रों की बड़ी जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा परिणाम में अनियमितता को देखते हुए एनटीए को ग्रेस मार्क्स रद्द करके फिर से नीट एग्जाम आयोजित करने का निर्देश दे दिया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 67 छात्रों को 720 में से 720 मार्क्स मिलने पर जब एनटीए से सवाल पूछा गया था तो एनटीए ने इसके पीछे की वजह ग्रेस मार्क्स को बताया था। नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का री एग्जाम कराया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काउंसिलिंग पर रोक लगाने से मना कर दिया गया है। जिन कैंडिडेट्स को नीट यूजी 2024 की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनका री एग्जाम 23 जून को होगा। एनटीए की तरफ से कहा गया कि छात्रों का डर दूर करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। जिन स्टूडेंट्स को एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको एनटीए ने दो ऑप्शन दिए हैं। ये स्टूडेंट्स री एग्जाम में बैठ सकते हैं या फिर अपने पुराने स्कोर के साथ ही काउंसलिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके स्कोर कार्ड से ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। जिन कैंडिडेट्स को कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो वो री एग्जाम में शामिल होने का फैसला ले सकते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर एनटीए के ग्रेस मार्क्स देने से क्या नुकसान हुआ। दरअसल 5 मई को देश भर में हुई नीट परीक्षा कराने वाली एनटीए ने 4 जून को जब रिजल्ट जारी किया तो देश भर में हंगामा खड़ा हो गया। वजह, 67 बच्चों को यहां 720 में से 720 नंबर मिले थे, तो वहीं इससे भी ज्यादा यानी 1563 बच्चों को ग्रेस मार्किंग दी गई थी। ये ग्रेस मार्किंग 10, 20 या 30 नंबर की नहीं बल्कि 100 से 150 नंबर तक की दी गई थी, जिसकी वजह से कई बच्चे जो मेरिट से बाहर थे वो मेरिट में आ गए और जो मेरिट वाले बच्चे थे उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना मुश्किल हो गया। ग्रेस मार्क्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ग्रेस मार्क्स के जरिए परीक्षा में धांधली की गई है। विवाद के बीच एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रेस मार्क्स को लेकर जवाब भी दिया। इसमें एनटीए ने कहा कि सिर्फ 1563 छात्रों को लॉस ऑफ टाइम के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए ने कहा कि जिन परीक्षा केंद्रों पर देर से कॉपी बटी, गलत क्वेश्चन पेपर दिया गया था, उनको ग्रेस मार्क्स दिए गए। अब इन ग्रेस मार्क्स को स्कोर कार्ड से हटा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और IBC 24 के हमारे यूट्यूब चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।